हनुमानगढ़ के नोहर के किंकराली गांव के वाटर वर्क्स में खटिया निर्माण और यहां अनियमित पेयजल आपूर्ति की मांग को लेकर ग्रामीणों का धरना 5 दिन भी जारी रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि ठेकेदार ने वाटर वाटर्स निर्माण कार्य में अमानक सामग्री का इस्तेमाल किया है, जिसके चलते डिग्गी में पानी भी नहीं ठहर रहा है। भगवान गांव से 5 इंच पाइपलाइन भी पानी छोड़ने पर वो जगह जगह टूट रही है। जलदाय विभाग के एक्सियन ने धरना स्थल पर पहुंचकर ग्रामीणों से 8 इंच पाइपलाइन से गांव में पेयजल आपूर्ति कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा है कि डिग्गी निर्माण की मरम्मत के लिए अभियंता ने एस्टिमेट बनाकर जल्द ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा। सर आगे यही रहेगा, अनशन पर बैठेंगे भूख हड़ताल पे। जो ये 8 इंची पाइपलाइन डली है ना सर, इसमें अभी तक पानी नहीं है। अगर पानी छोड़ भी दिया एक बार तो वो पाइप सारी फट गई सर। पता नहीं कौन सी कंपनी क्या क्या है क्या नहीं है, हमें इस चीज़ का पता नहीं है, क्योंकि हम तो सीधे साधे आदमी हैं। और एक बंदा कर्मचारी था जी, वो भी यहाँ से छोड़ के चला गया। मोटरें हैं, मोटरें बार बार सड़ जाती है, सही करवाते हैं फिर सड़ जाती है सर। और यहाँ तो सर ये 8 इंची पाइप है, उसमें पानी नहीं कितने चला कभी। और एक कर्मचारी है हमारे यहाँ, दिनों से नहीं है कर्मचारी, 10 दिनों से नहीं है। पानी सप्लाई कौन छोड़ता पानी है? छोड़े कोई नहीं छोड़ता है, बंद है, ताला लगा हुआ है इसमें। जी, कोई नहीं आता यहाँ पे वाटर हाँ, कोई से? नहीं आता। कितने दिनों से ये समस्या झेल रहे हो पानी की? पानी की 4 महीने से पानी कहाँ से आता है फिर? पीने के लिए पानी पानी कहाँ से लेके रहते हो? पानी खेतों में डिग्गियों में उससे लेते हैं, वो टैंकरों से भी मंगाते हो क्या? टैंकरों से मंगाते हैं, टैंकरों से 800 रुपये लगते हैं। हमारी ऐसी है जी कि एक तो ये वाटर वर्क की जो डिग्गी बनाई है ये पुराने टाइप की बनी है, इसमें पानी नहीं ठहरता, आज तक इसके अंदर पानी ठहरा ही नहीं है। और दूसरा ये कि जो पाइपलाइन डाली है उसके अंदर पानी नहीं चले आज तक भी। और एक जो ये मोटरें हैं ये सड़ रही है, इनका प्रशासन को हमने बता दिया लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहा। आज 4 महीने हो गए गाँव के अंदर पानी नहीं है, और बाहर से अगर टैंकर मंगवाते हैं तो उससे ज़मींदार को 800 रुपये देने पड़ते हैं। और